अगली खबर की बात करेंगे लखनऊ से। अगली खबर आपको बता देते हैं जहां बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी की बैठक आज लखनऊ प्रदेश मुख्यालय पर यह बैठक होगी। भूपेंद्र सिंह चौधरी की अध्यक्षता में बैठक होगी। राधामोहन सिंह और धर्मपाल भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन से गांधी जयंती तक कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। स्थानीय निकाय चुनाव और एमएलसी चुनाव पर भी बैठक में चर्चा होगी। भाजपा के मोर्चा के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आपको बता दें बीजेपी के प्रदेश प्रभारियों पदाधिकारियों की आज बैठक है और लखनऊ के प्रदेश मुख्यालय पर यह बैठक होनी है। भूपेंद्र सिंह चौधरी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। राधा मोहन सिंह और धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से गांधी जयंती तक कार्यक्रम किस तरह से होने इस पर भी चर्चा की जाएगी। राघवेंद्र जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इस खबर पर हम उनसे ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की जो बैठक होनी है राघवेंद्र जी, उसकी खास बात क्या है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से जो गांधी जयंती तक कार्यक्रम होने हैं उनको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री हैं तब से इन दिनों को ज्यादातर हम देख रहे हैं कि बीजेपी बहुत डीपली लेती है और खासतौर पर 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर कुछ ना कुछ विशेष करने का जो भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से कोशिश रहती है, उसके बारे में अगर कोई कार्यक्रम को लेकर भी जानकारी हो तो। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी नियमित बैठकें करती रहती है, लेकिन यह जो बैठक है यह महत्वपूर्ण बैठक है, पदाधिकारियों की बैठक है। आपको बताते हैं कि जो राधा मोहन सिंह है वो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, बिहार के रहने वाले हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वर्तमान वो सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, जिनको प्रभारी उत्तर प्रदेश को बनाया गया, पिछले 2-3 वर्षों से वही हैं और आज वह आ रहे हैं और साथ में जो नए नवनियुक्त जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के भूपेंद्र सिंह चौधरी वह रहेंगे, संगठन महामंत्री जो नए बनाए गए हैं धर्मपाल सिंह वह रहेंगे, तमाम मोर्चों के अध्यक्ष रहेंगे, प्रदेश के महामंत्री रहेंगे, प्रदेश के उपाध्यक्ष रहेंगे, प्रदेश के मंत्री रहेंगे और क्षेत्रीय अध्यक्ष भी रहेंगे। ये जो पदाधिकारियों की बैठक है इसका जो मोटिव है, जो इसका उद्देश्य है कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और उस जन्मदिन को कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता कैसे मनाएंगे और प्रधानमंत्री ने पहले ही जानकारी दिया है, मतलब कि राष्ट्रीय जो नेतृत्व ने पहले ही यह जानकारी दे दी है कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जाएगा और यह 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती तक यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयंती से शुरू होगा, यह मतलब की जन्मदिवस यह कार्यक्रम शुरू होगा और गांधी जी की जयंती तक 2 अक्टूबर तक यह कार्यक्रम चलता ही रहेगा। इसमें जो राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में भी जनता बताएगी और भी तमाम लाभों के बारे में बताएगी, हर एक विषय को लेकर कार्यकर्ता वहां पर पहुंचेंगे। साथ में निकाय चुनाव है उस पर भी मंथन बैठक होना है, आगामी जो एमएलसी चुनाव हर 2-2 साल जो सीटें खाली होती रहती हैं उसको भी भरना है तो उसमें भी उम्मीदवारों को लेकर समीकरण लेकर के क्षेत्रवाद जातिवाद इन तमाम चीजों का मंथन होता है बैठकों में, इन सब पे बातचीत होगी तो इस लिहाज से यह जो बैठक है महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पर बिल्कुल तो बैठक महत्वपूर्ण है और तमाम मुद्दे जिन पर बैठकों में चर्चा भी होगी, खासतौर पर प्रदेश पदाधिकारियों की ये बैठक है जिसमें जिसकी अध्यक्षता भूपेंद्र सिंह चौधरी जी करने वाले हैं और जाहिर सी बात है जब इलेक्शन की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी की बैठकें और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, यानी एक के बाद एक बैठकों का दौर भी शुरू हो जाता है। तो क्या आने वाले चुनाव के लिहाज से भी 2024 के लिहाज से भी हम देखें कि यूपी में क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें होती हैं और तैयारियां उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बीजेपी करती है तो यहाँ इस बैठक में क्या इलेक्शन से जुड़े हुए भी कुछ मुद्दे होंगे जिन पर बातचीत हो सकती है या आगे आने वाले समय में कोई कार्यक्रम? जी निश्चित तौर से ये फरवरी से जो बैठकें होती हैं जो मीटिंग इसका उद्देश्य वाकई में इलेक्शन ही होता है, आगामी इलेक्शन वो चाहे आगे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो लेकिन जो मेन उद्देश्य होता है वो तो लोकसभा चुनाव ही होता है। अब चूंकि पढ़ने वाला एक साल बाद 2024 में लोकसभा चुनाव है तो निश्चित तौर से सारी तैयारियां लोकसभा के ही संदर्भ में हो रही हैं और इसको भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है वो बताती थी कि वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं लेकिन उसका जो उद्देश्य होता है वो सेट होता है, वाकई में जो लक्ष्य है वो 2024 ही है। कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी इनका दिशा निर्देश हो, कुछ कोई भी निर्णय हो वो सब जाके मिलता ही है वहां पर 2024 के लिए। उसके लिए चाहे वो घर घर तक पहुंचे, चाहे वो सेवा पखवाड़ा मनाए या कुछ भी करें,
लेकिन जो उद्देश्य है वो लोकसभा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को अच्छी तरह से लड़ना चाहती है, जीतना चाहती है। और एक आज नहीं, बहुत पुरानी कहावत है कि उत्तर प्रदेश से ही अगर देश कोई राज करता है तो यूपी से करता है, अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है तो उत्तर प्रदेश से ही बनता है। यही है कि नरेंद्र मोदी 2014 में दो जगहों से जीते थे, वो गुजरात से, उत्तर प्रदेश से भी लोकसभा चुनाव जीते थे, लेकिन उन्होंने अपना कर्म क्षेत्र वाराणसी उत्तर प्रदेश को बनाया। उनको मालूम है कि यहाँ की जो ताकत है उसको पूरा देश समझता है, और हम यहाँ से जो काम करेंगे उसका मैसेज भी पूरे देश में जाएगा। तो उनका उनको परिणाम भी मिला कि 2019 में 14 से भी प्रचंड बहुमत इनको जाकर 19 में मिला है। अब इसी विषय को देखते हुए उत्तर प्रदेश पर पूरी निगाहें हैं भारतीय जनता पार्टी की। बिल्कुल, और ऐसे में वो भी तब जब हम देख रहे हैं कि लगातार दो बार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और अब जब इलेक्शन होंगे तो उस पर और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। इस तरह की बैठकों का दौर प्रदेश में और भी दिखाई देगा, लेकिन क्योंकि बीजेपी अपनी फौज तैयार करने में ज़्यादा बिलीव रखती है, यानी बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं तक भारतीय जनता पार्टी की पहुँच, इसको लेकर भी इस तरह की मीटिंग्स होती रहती हैं। अब देखना ये होगा कि इन बैठकों के बाद क्या कुछ निकलता है। खासतौर पर प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है तो किस तरह की चर्चाएं होती हैं, मैं लाचूंगी राघवेंद्र जी आपके पास। अगली खबर पर भी होगी आपसे बात।